कब की 55 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन बॉलीवुड के ही मैन का दिल आज भी बचपन का है। बचपन से लेकर आज तक फिल्मों के लिए उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। एक्टिंग को अपनी महबूबा मानने वाले धर्म जी कभी हिंदी सिनेमा में तो कभी रीजनल सिनेमा में नजर आ ही जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली वो नजर आए पंजाबी फिल्म जोरा 10 नंबरिया के लॉन्च पर, जहां धर्म जी हो गए नॉस्टैल्जिक। तो इसके अरमान हैं, हर अरमान करने वाले की मैं कदर करता हूं। इसके दिल में बड़े ड्रीम हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, क्यों नहीं, हर किसी के होते हैं। और ख्वाब देखने वालों को अगर साथ दे दो तो उसको बहुत हौसला मिल जाता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धर्म पाजी को 57 साल से ज्यादा हो गया है, मगर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब पंजाब के लुधियाना में फिल्में देखते देखते वो खुद को एक हीरो के रूप में देखने लगे थे और अपनी माता सतवंत कौर के साथ वो अपने दिल की हर बात शेयर करते थे। और उन्हीं के कहने पर पहली बार धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन के लिए अपनी एंट्री और फोटोग्राफ्स भेजी और उन्हें इस कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। शायद किस्मत को भी यही मंजूर था और फिल्म फेयर टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन जीत कर धर्म जी ने बॉलीवुड की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया और फिर वो लुधियाना छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ उन्होंने 1960 में बॉलीवुड में किया डेब्यू। और यहां से धर्मेंद्र ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद नूतन के साथ सूरत और सीरत और बंदनी, तो माला सिन्हा के साथ अनपढ़ जैसी फिल्में की। बट सोलो हीरो का मौका धर्म को मिला 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से, जिसमें पहली बार उनका एक्शन अवतार भी नजर आया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ग्रॉसर साबित हुई। इसी बीच मीना कुमारी के साथ फिल्म मैं भी लड़की हूँ करने के बाद मीडिया में काफी दिनों तक दोनों के इंटीमेट रिलेशनशिप की खबरें उड़ती रही। कहा तो ये भी जाता है कि मीना कुमारी की वजह से ही बहुत जल्द धर्मेंद्र ए लिस्ट एक्टर्स की कैटेगरी में गिने जाने लगे। यूं तो धर्म जी ने बॉलीवुड में तकरीबन हर हीरोइन के साथ काम किया, मगर फिल्मों में धर्म जी की जोड़ी सबसे ज्यादा जमी हेमा मालिनी के साथ। लगभग 45 फिल्मों में ये दोनों एक साथ नजर आए और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया। और प्रकाश कौर से शादीशुदा होते हुए भी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। बॉलीवुड में धर्मेंद्र का करियर शानदार रहा, उन्हें कई अवार्ड्स और पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक्टर होने के साथ साथ धर्म जी ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला, जिसका नाम रखा विजेता फिल्म्स। और विजेता फिल्म्स के साथ धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने किया बॉलीवुड में डेब्यू। अपने 57 साल के करियर में धर्म जी को दर्शकों का भरपूर प्यार तो मिला ही, साथ ही साथ उन लोगों का भी जिनका साथ धर्म जी ने हर हाल में निभाया। और अपने इस सफर को धर्म जी कुछ इन शब्दों में याद करते हैं। कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से चला जाता हूँ।